गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर ओगा किचन और मैं हूं सुमित। आज हम लोगों ने बनाया है ब्रेड पनीर पकौड़ा। काफी दिनों के बाद में मैंने कोई रेसिपी बनाई है, तो वो बनाई है थोड़ी तगड़ी सी, थोड़ा सा स्नैक्स वाले टाइप पर, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स वाला, ठीक है। तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव सी रेसिपी है। हमेशा हम ब्रेड पकौड़े में आलू ही क्यों डालते हैं, पनीर को क्यों अलग छोड़ देते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें पनीर के कुछ स्लाइसेस चाहिए। आप पूरी ब्रेड के जितना स्लाइस अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास में छोटे छोटे थे तो मैंने छोटे छोटे ले लिए। अब हमें एक ब्रेड चाहिए। ब्रेड के ऊपर में हमने लगानी है धनिया पुदीने की चटनी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस चटनी के अंदर में नमक थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नींबू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि थोड़ी सी करारी सी चटनी होनी चाहिए। इसके अंदर मिर्च भी थोड़ी सी आपने तेज ही रखनी है। इस चटनी को हमने एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर में अप्लाई किया, उसके ऊपर हम अपने पनीर के स्लाइसेस को लगा देंगे। अगर आपके पास में एक ही सिंगल स्लाइस इतना बड़ा है तो आप एक ही स्लाइस इतना बड़ा लगा सकते हैं। अब जी लग गया हमारा पनीर। अब इसके ऊपर से जी हमारी आएगी चटनी फिर से। ये है धनिया पुदीने की चटनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब चटनी को हमने स्प्रेड कर दिया है, उसके ऊपर से फिर से हमने अपनी ब्रेड को लगा दिया है जी। एंड दैट्स इट, ये हमारा हुआ जी सैंडविच रेडी। ऐसे ही अब आप अपने काफ़ी सारे सैंडविचेस रेडी कर सकते हैं, मैंने अभी चार किए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। अब हम अपना तैयार करते हैं घोल बेसन का। एक कप बेसन हम ले लेते हैं, 1 teaspoon सॉल्ट ले लेते हैं, 1/2 teaspoon रेड चिल्ली का पाउडर या फ्लेक्स, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon धनिया का पाउडर, 1/4 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon चाट मसाला। ये सभी इंग्रेडिएंट्स का नाम एंड डिटेल कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्या क्या मैंने डाला है, कितनी कितनी क्वांटिटी में डाला है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। एक कप अब हम इसके अंदर में डालेंगे पानी और अब हम इसे घोलेंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद में अब हम इसे घोलते ही रहेंगे। अब इसमें हमने 1/4 cup पानी और इसमें डालना है और इसे अब हमने हिलाते रहना है। ये देखिए, अब इसका पतला सा, थोड़ा सा गाढ़ा सा, थोड़ा सा पतला सा घोल अब इसका रेडी हो जाएगा। अब हम लेते हैं जी गार्लिक। कितना गार्लिक है, लगभग 8 से 10 पीस हमारे पास में गार्लिक है। इसे हम कूट लेते हैं, ठीक है। कूटने वाला तो आपके भी घर पे होगा, आराम से आप भी इसे कूट सकते हैं। 8 से 10 गार्लिक है। इसे कूटने के बाद में इसे हमने अपने बेसन वाले घोल में डाल देना है। इसे डालने के बाद में अच्छे से जी हमने इसे मिक्स कर देना है। एंड दैट्स इट, हमारा घोल रेडी हो जाएगा। चम्मच के साथ में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सेमी लिक्विडी है, बहुत ज़्यादा पानी के जैसा भी नहीं है, सेमी लिक्विडी है। अब हमने अपने सारे के सारे सैंडविचेस को ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है, ठीक है जी। कट गया जी ट्रायंगल शेप में। अब इसके बाद में बड़ा इजी प्रोसेस है, बस हमने इसके ऊपर में बेसन को अप्लाई कर देना है सभी तरफ अच्छे से। ये देखिए जी, बेसन अब अप्लाई अब हो चुका है। अब उठाते हैं जी इसे और गरम तेल में इसे डाल देते हैं। मीडियम हॉट ऑयल है लेकिन फ्लेम अभी लो है, ठीक है। मीडियम हॉट ऑयल लेकिन फ्लेम अभी लो है।
लो फ्लेम में हमने उसे ऐड किया है। और ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी ब्रांड का, वेजिटेबल ऑयल है इमामी ब्रांड की तरफ से। अब जी एक और पीस को ऐसे ही हम लगा लेते हैं बेसन, और इसे भी ऑयल के अंदर में डाल देते हैं। अब इतना करने के बाद में अब अपनी फ्लेम को हमने मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम करके आपने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, या आप जो भी कलर इसका खाना चाहते हैं वहां तक। कुछ लोग येलोइश खाना चाहते हैं, येलोइश टोन में जब होता है सैंडविच यानी कि ब्रेड पकौड़ा, वो लोग वैसा खाना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट किया हुआ खाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर में है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रोस्ट करूँगा। ये देखिए कहीं कहीं पे ब्लैकिश भी हो जाता है क्योंकि नीचे में लगता है ना। That's it. अच्छे से आपने इसे पकाना है। देखिए तेल कैसे एकदम थिस ऐसे पूरा कर रहा है। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है। अब गाइस जब ये पूरा रेडी हो जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बड़ा इजी है इसे बनाना, आप आराम से इसे अपने घर पे बना सकते हैं। इसे पेपर के ऊपर में निकाल लें यानी कि नैपकिन के ऊपर में, इससे क्या होगा कि इससे इसका एक्सेस जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब ऐसे ही आपने मिर्ची का भी पकौड़ा बना लेना है। बस बेसन के अंदर मिर्ची को डालें और इसके अंदर में डाल दें, आपका पकौड़ा बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, मिर्ची को आगे से थोड़ा सा ना तोड़ लेना है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो उड़ के आपके ऊपर में आएगी, अगर तोड़ देंगे तो उसके अंदर में गैस नहीं बनेगी, फिर वो फटेगी नहीं, ठीक है। इतना जी अब हमारा हो गया, अब इसे हमने खा लेना है। अब वो खाना कैसे है जी, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन करनी है। उसके लिए सेंटर में से इसकी मैं कटिंग करूंगा। हो रही है जी कटिंग, अंदर से पूरा व्हाइट नेयर में आएगा पनीर, साइड में से ग्रीनिश नेयर आएगा, उसके साइड में से ब्रेड आएगी नजर, उसके साइड में से येलो आएगा नजर, ठीक है। तो यही है जी हमारा ब्रेड पकोड़ा पनीर वाला। अब अपने घर पे इसे एक बार ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। और साथ में हमारे वही वाली तीखी वाली खट्टी वाली चटनी है, ग्रीन वाली, और साथ में है टोमेटो केचप। और ये जितना भी इक्विपमेंट्स ये मैंने यूज़ किए हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए, कुर्सी हो गई और ये काट हो गई, ये सब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, लव यू।